हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आज करीबन ये वीडियो को अपलोड होते लगभग 2 से 3 बज जाएगा, बिकॉज आज हम थोड़े दौरे में रहेंगे और बाहर रहेंगे, जिसकी वजह से वहाँ नेटवर्क इशू रहेगा। तो फिलहाल मैं अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और 7 बजे बताने का मकसद ये है कि आज ये वीडियो थोड़ा सा लेट होगा। जनरली हमारा वीडियो 10-11 के आसपास अपलोड हो जाता है, पर आज हम दौरे में रहेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है थोड़ा सा लेट हो जाएगा। फिलहाल व्यापम की तिथियों पर चर्चा करेंगे, जो व्यापम ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है उसके संबंध में। तो देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा कंटिन्यू मैसेजेस आए कि सर, ये किस प्रकार का जो व्यापम ने शेड्यूल जारी किया है वो क्या है। तो भाई, आप लोग को तो सारे लोगों को ये मालूम है कि ये जो है पिछले वर्ष 2023 में भर्ती परीक्षा निकली थी उसका एग्जाम का कैलेंडर है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि व्यापम इतना ही भर्ती परीक्षा लेगा। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा, व्यापम कभी भी इस प्रकार का कैलेंडर जारी नहीं करता। व्यापम हर इंडिविजुअल कैलेंडर जारी करता है, मतलब अगर छात्रावास अधीक्षक का है तो उसका पर्टिकुलर अलग से नोटिफिकेशन जारी करेगा, अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करता है। इस प्रकार व्यापम अलग अलग इंडिविजुअल जारी करता है, एक साथ नहीं करता। अब व्यापम क्या है, पहली बार ऐसा किया है कि सारे एग्जाम का जितना भी रुका हुआ था, इसमें भी और भी बहुत सारे रुके हुए हैं, जैसे कि अपेक्स बैंक का 23 पद वाला भर्ती अभी भी रुका हुआ है, तो उसका एग्जाम कैलेंडर में नामो निशान नहीं है। एक दूसरा जो प्रयोगशाला परिचालक है, उसके लिए एग्जाम कैलेंडर में जगह नहीं दी गई है। अब अभ्यर्थियों को यही है, ये लग रहा है कि क्या सर, इसकी वजह से क्या शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्या शिक्षक भर्ती इस साल नहीं होगी। तो देखिए, शिक्षक भर्ती के संबंध में मैंने आपको कहा था कि मैं आज आप लोगों को अपडेट दूंगा, लेकिन आज इस खबर को दिखाने के पहले, मतलब शिक्षक भर्ती को बात की वो बताने से पहले, जो एग्जाम कैलेंडर है उस पर हम विशेष चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, इस वजह से ये बात बताना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, जो एग्जाम कैलेंडर होते हैं, एग्जाम कैलेंडर में क्या होता है, वो पूरे साल भर का कब नोटिफिकेशन निकलेगा, कब से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, कब तक उसका ऑनलाइन फॉर्म भरेगा और इसका एग्जाम डेट कब रहेगा, इस प्रकार का एग्जाम कैलेंडर में सारी चीज़ें रहती है। जैसे आप लोगों ने यूपीएससी में देखा होगा, एसएससी का देखा होगा, तो उस प्रकार से वहाँ पे एक टेंटेटिव डेट बताया रहता है। परंतु यहाँ पे क्या हुआ है, जितनी रुकी हुई भर्ती था उसका एग्जाम कैलेंडर जारी किया है कि भाई जितना भी रुका हुआ है उसका एग्जाम ये दिन होगा। ये जो है एग्जाम कैलेंडर, उस प्रकार का एग्जाम कैलेंडर नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर ये एग्जाम कैलेंडर इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये एग्जाम का क्या कौन कौन सी तारीख का जो है डेट दिया गया है, संभावित तिथियां दी गई है, तो इसको आप एक चालू भाषा में कहा जा सकता है कि जो एक प्रकार से कि हाँ भाई ये एग्जाम कैलेंडर है। पर जो ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर आता है, जैसे कि अभी सीजीपीएससी का आने वाला है, तो वो जो एग्जाम कैलेंडर रहेगा उसमें आपको पूरा साल भर की परीक्षा लिखी रहेगी कि कौन सा एग्जाम कब होगा और कब आपका इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब इसमें ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट होगा, इस प्रकार का सारा चीज वहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम कैलेंडर होता है, ये जो है एग्जाम कैलेंडर नहीं है। अब अभ्यर्थियों को ये कहूँगा कि भाई इतना ही एग्जाम कैलेंडर से ये नहीं होता कि भाई आप लोग ये सोचें कि सिर्फ इतनी ही वैकेंसी आने वाली है या सिर्फ इतनी ही वैकेंसी। ये तो पुराने पिछले साल 2023 की भर्ती थी भाई, जो अभी इस साल अक्टूबर तक कंप्लीट हो रही है, उसमें भी प्रयोगशाला परिचारक और जो आपका अपेक्स बैंक का 23 पद वाला भर्ती है वो तो अभी भी रुका हुआ है, अभी भी जो है इसका जो है भर्ती का जो डेट है वो जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी खासे नाराज है, क्योंकि टेक्निकल वालों के लिए भर्ती आ नहीं रही है, एक बात। दूसरी बात, जो भर्ती टेक्निकल वालों के लिए 23 पदों में थी उसको भी आप नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात, प्रयोगशाला परिचारक का ऑनलाइन आवेदन पिछले साल अक्टूबर महीने में ही मंगाया गया था, लेकिन इस एग्जाम कैलेंडर में अभी तक प्रयोगशाला परिचारक का नामो निशान नहीं है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी खासे नाराज भी है कि अरे भाई, एक साल हो गया अभी तक उसका एग्जाम नहीं लिया गया है, जब एग्जाम नहीं लेंगे तो रिजल्ट कब जारी करेंगे और फिर इसका नियुक्ति कब होगा। मतलब एक कोई भर्ती है उसको आप 1.5 साल 2 साल ले जा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थी नाराजगी जायज है, निश्चित तौर पर हम इसकी बात आगे रखेंगे, और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि इसका जो कैलेंडर है वो नहीं आया, इसका एग्जाम डेट नहीं आएगा। देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, विभाग के द्वारा यही कहा गया है कि व्यापम ही इसका एग्जाम डेट जारी करेगा। तात्पर्य यह है कि व्यापम, आप देखेंगे एग्जाम कैलेंडर में कोई भी रेंडमली 25 अगस्त है, 25 अगस्त के बाद सीधा सीधा 15 सितंबर को हॉस्टल वार्डन है, मतलब हर संडे को नहीं है, बीच बीच का संडे गायब है। कारण क्या? तो भैया, आप लोग इस चीज के लिए भी रेडी रहे कि व्यापम प्रयोगशाला परिचालक के लिए आपको जब, जैसे कि अभी हाल ही में जो हाईकोर्ट वाला 157 पदों के लिए व्यापम ने पोर्टल खोला है,
वैसा ही पोर्टल प्रयोगशाला परिचालक के लिए खुलेगा और उसके लिए आपको एक महीने का वक्त देगा। निश्चित तौर पर लेट हो रहा है, परंतु जो जो व्यापम ने एग्जाम कैलेंडर में डेट नहीं दिया है तो उस डेट के बीच में भी आपके प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि ये चूंकि दूसरे डिपार्टमेंट का था। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यापम ने पहले ही जो हाई कोर्ट वाला है उसके लिए आवेदन मंगाए थे, इसी वजह से व्यापम ने उसको एग्जाम कैलेंडर में शामिल किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो प्रयोगशाला परिचालक है वो पर्टिकुलर दूसरे डिपार्टमेंट का है, तो व्यापम क्या करेगा, उसको एक अलग से उसका नोटिस जारी करेगा और उसके बाद उसके लिए अलग से पोर्टल खोलेगा। बस उसको पोर्टल खोलना है और फिर एग्जाम डेट अलग से निकालेगा। तो इसमें इस वजह से इसको शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए भैया कि इसी बीच आप लोगों की प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती भी होगी, ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ जाएगी। दूसरी बात शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो भाई शिक्षक भर्ती भी निकलेगा, उसके लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ उसका जो अपडेट है मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज चूँकि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की मीटिंग है। अब अभ्यर्थियों को उतना एक प्रकार से उत्सुकता नहीं है कि कैबिनेट मीटिंग में, क्योंकि उनको पिछले कितने कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक भर्ती का नाम जरूर आता था परंतु शिक्षक भर्ती की बात नहीं होती थी। तो इस वजह से उनको उत्सुकता नहीं कि अरे इस बार का भी जो कैबिनेट मीटिंग है वो साधारण होगा और हमारे काम का कुछ भी नहीं रहेगा इस संबंध में। तो फिलहाल आज जैसे ही कैबिनेट मीटिंग कंप्लीट होती है आपको शिक्षक भर्ती के संबंध में जो भी अपडेट है, जो मेरे पास है, हमारे पास जो ऑफिशियल जानकारी है, उसको हम आपके समक्ष रख देंगे। फिलहाल उसके बाद फिर आप डिसाइड करिएगा। लेकिन क्योंकि इसके लिए शिक्षक भर्ती के संबंध में भी बहुत सारे जो संगठन है, खासकर डीएड बीएड संगठन, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कंटिन्यू वो विधायकों मंत्रियों से कंटिन्यू जो है वो ज्ञापन का जो उनका एक सिलसिला है, लगभग 18 जुलाई तक जो है उनका ज्ञापन का सिलसिला रहेगा और उसके बाद निश्चित तौर पर बोलना चाहिए आगे की प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। फिलहाल शिक्षक भर्ती पर तो हम अलग से वीडियो में बातचीत करेंगे ही, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग में आप सभी लोगों की नज़र होनी चाहिए और अपडेट क्या रहेंगे वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन देखिएगा व्यापम का एग्जाम कैलेंडर में ये नहीं कहना चाहिए कि और वैकेंसी नहीं आएगी, और भी वैकेंसियां आएगी। और आपको फिर से कहूँगा भैया, अभी जुलाई का महीना चल रहा है और ये जो आपके एग्जाम कैलेंडर आप खुद देखेंगे अगस्त के 3 संडे गायब है। चाहे तो वहाँ पे व्यापम एग्जाम ले सकता था परंतु नहीं लिया। सितंबर के भी आप देखेंगे सिर्फ 2 संडे बुक है, बाकी संडे बुक नहीं है। अक्टूबर में सिर्फ 1 संडे दिया गया है 20 अक्टूबर का, बाकी संडे गायब है। तो भैया आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीच बीच का संडे क्यों छोड़ा गया है और इसका क्या मायने हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव है जो जिसके लिए आचार संहिता लगना है और इसका खासा ध्यान गवर्नमेंट का है। और आपको एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप सभी लोगों की बात गवर्नमेंट तक पहुँच चुकी है कि जो युवा है, खासकर शिक्षक भर्ती के संबंध में हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन संबंधित हो, आप लोगों की बात सरकार तक पहुँच चुकी है कि भैया हमारी सरकार ने अभी तक जो नई भर्ती है, जैसे कि पटवारी, RI, ADO, आबकारी आरक्षक, अमीन पटवारी, तमाम पद, चाहे वो JEE हो, शिक्षक भर्ती हो, तमाम ऐसे पदों पर नया भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया है। ये जितनी भी भर्तियां हैं पिछले सरकार के द्वारा अक्टूबर महीने में निकाली गई थी, हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसमें भी अगर हम देखें तो फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी जो बोल सकते आरक्षक का पद 6,000, उसके लिए साथ में नगर सेना और जो प्रयोगशाला परिचारक है, अपेक्स बैंक है, ये 5 भर्ती अभी भी नहीं हुई है जो लगभग पिछले साल से निकली हुई है। कोई भर्ती तो जो 2021 से निकली हुई है वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँच गई है। अब आगे आने वाले समय में आपको इसका प्रारूप जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।